हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, सांझ का टाइम हो गया है। आप लोग को तो पता है हमारे घर एक खुशखबरी आया है। आप लोग को तो मालूम चल गया है 4 बजे। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। और यहाँ पे मैं भी लेके बैठी हूँ अपनी बाबू को, और हमारी बेटी वहाँ पे रो रही है। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। और जानते हैं दोस्तों, मतलब हम लोग मना रहे थे कि नॉर्मल हो जाए। हमारा तो मतलब बड़ा ऑपरेशन है। जिसका ऑपरेशन होता है वही जानता है कितना तकलीफ होता है। नॉर्मल सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। हम मतलब फिर नहीं से मना रहे थे कि नॉर्मल हो जाए। इसीलिए दोस्तों, चलिए अच्छी बात है कि मतलब नॉर्मल हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, मेरे पास दो दो बच्चे हैं। एक बच्चे उसके पापा लिए हैं। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी हमारे पास है। हमारे पास दो दो बच्चे हैं। बताइए कितना क्यूट बच्चे हैं। एक बड़ा हो गया है 4 महीने का, और एक आ जाया है नया मेहमान। से देखिए दोस्तों, वही खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि एक मेहमान और आ गया। इसलिए कि मतलब सबके पास बहनी थी, और यहाँ पे सुहानी भी ताक रही है। एक बाबू आ गए, कम से कम लड़के कही जाइए ना, सब लड़के भैया आ गए। भैया का रक्षाबंधन बनी है। वैसी नाई रात है, सब कुछ सोच ना, रो रही है ना। ये देखा देखा। तो दोस्तों जानते हैं, ये आप जहाँ खुशी रहता है वही हर एक चीज़ रहता है। और यहाँ हम लोग बहुत खुश हैं। ये तो गए थे, मैं तो घर पे ही थी और कोई नहीं था। एक हॉस्पिटल भी गए थे और मैं यहीं पे थी। तो शाम को आए हैं, तो हम बैठे हैं लेकर। तो आप लोग बताइएगा, मची लगती दोस्तों। यहाँ लाइन नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो गया है। ये घर में अन्हार पड़ रहा है, तो बाबू रो रहा है। तो लेके बैठे हैं एक गोदी में। वो भी रोती है जब लाइट नहीं रहता है, पंखा नहीं चलता है, तो लाइट में रोती है। तब उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो इसको भी हम बाहर ही लेके बैठे हैं यहाँ पे। बाबू को दो बच्चे हैं, दोनों को पंखा की जरूरत पड़ गई दोस्तों। तो दोस्तों जानते ही हैं, अब इन्वर्टर बचा के रखना पड़ेगा दोनों बच्चों के लिए। हाँ देखिए, अभी रोना चालू कर रहा है। तो दोस्तों दोनों ओर से बताइए, एक बच्चा यार जाएगा दुबार पे, एक बच्चा जाएगा ये दुबार पे। दोनों हवा खाएंगे तभी अच्छे से रहेंगे। एक नया मेहमान और आने वाला है 5-6 महीने के बाद, वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों लाइन से आएंगे। एक आ गई है दोस्त, और यहाँ पे और ये बुखार गया है। बाबू देखिए रो रहा है। हाँ भूखू लग गई वाह, भूखू देखिए दोस्तों रो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये भूखा गया है, रो रही है, वो भी भूखा गई है। दोनों लोग ही रो रहे हैं। कितना भूख लगल बा, तोर तो दोना निकला था नहीं पी रहा, मैं बहन पी के सुतल ला। तो दोस्तों देखिए निकला ला, ये निकलता दवाई के पानी से, ये भाई लिया। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। और दोस्तों जानते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ बहुत मतलब बहुत खुश हैं, ये खुशी की बात है। तो दोस्तों जानते हैं ना, खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम सोचे थे जाने के, लेकिन घर पे नहीं कोई था, इसीलिए हम नहीं गए थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो बाय बाय दोस्तों। चलो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब डिलीवरी के बाद जो पोछा मराता है वही गोड़ धोआ गया है। और यहाँ पे हाथ पोछ रही है दीदी, और देख सकते हैं मुँह एकदम सूज गया, हाथ गोड़ पूरा सूज गया है। यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग। और वहाँ पे मम्मी लेके बैठी है, बाबू रो रहा है, देखिए कितना तेज रो रहा है। तो दोस्तों बताइए, मतलब डिलीवरी भी नज़दीक था, हो भी गया, गोड़ हाथ फूल के एकदम सूज गया है। दीदी बोल दे। तो दोस्तों उनका शरीर एकदम सूज उज गया था, और अभी उनको नहवाना जाता, बस पोछा लगाने के लिए बोली हैं डॉक्टर। तो आज भी पोछा लग गया, पर पूछा है कि कल नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, उनसे पूछ कर सारा काम ले जाएगा डॉक्टर से। तो गर्म पानी और नीम का पानी गर्मा कर, उसमें ठंडा गर्म मिला के उसमें नीम का पत्ता डाला हुआ था, बदका कर उसको उबाल कर उसी से पोछा लगा है दोस्तों, ताकि कीटाणु उटाणु जाने भर्ती में थी हॉस्पिटल में, कीटाणु उटाणु पैर हाथ में जल चुकी, तो सब नीम के पत्ते से सारा कीटाणु मर जाएंगे। इन्फेक्शन नहीं होगा ना बच्चे, अभी बच्चे को भी सब पोछा लगेगा नीम के पानी से हल्का हल्का करके। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अब बाबू रो रहा है, बुखार गया है, इनको दिया है पानी पीने के लिए, पी रही है पानी। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, हल्ला कर रहे हैं बच्चे सारे, सब बच्चों का।
भगवान बांध ले रहो ना बना फिर आरु जी नहीं पाएंगे पेट में फाटी जाएगी इन तेज मारा ना बहुत वाला लाइक में घाव हो गया अभी तो वही तरह हाल का पुलका लता चल जाता दर्द करेगा पेट वाला अबे आगे इस बारे बहरे बहरे तेरा अल्लाह हुआ था तेरा हिस्सा न मार ले रहा है तू अपने भाई की चीज़ ना तेरा क्या हो हाँ ना रो हमारे बच्चों का ही रो आता क्या भूख लग गई बात तू तो ना ही मिला था ना मिला था ना तो क्या एक ही नेतू दिया तू यहाँ तो 3 महीने बाद हम आए लिए ना हाँ तो 3 महीने बाद आए बड़ी ना हाँ सबके घर में चीना तो लग पेट में हम तो 3 महीने बाद आए लिए इसको चीना तो नहीं बड़ा हमें आवल करिए चीनी कैसे आई कैसे आई बो अब खाली ना मोबाइल में देखो हाँ मोबाइल अब तू बती आवल करिए अब मोबाइल में बात करियो कॉल है कल्पना वाह हमारे बिटिया बुआ के कि एक खुशबू दीदी कहाँ है तू अपने मम्मी के छोड़ के चल गई बारू अपने मम्मी के छोड़ के नहीं जाए जल अपने मम्मी लग के सुतल जाता मम्मी जो कराई थी हमारे बिटिया बात क्या है कि जानते हैं दोस्तों मेरी लड़की दिल्ली में पढ़ती है तो मेरे घर गई थी तो कह रही है मेरी भतीजी कि तुम्हार बहनी खुशबू कहाँ बाड़ी तो खुशबू कहे हम बात करा दे रहे हैं तो बात कराए तो कह रही इतनी छोटी बच्ची मेरी भतीजी है नहीं आप लोग जानते हैं तो यही बात वह कही तू कह रही अच्छा अब आई वो अपने मम्मी लग गए सुतो अपने मम्मी लग गए सुतते ली नवार बेटी नाई मम्मी लग गए सुतते ली जा दोस्तों बच्चों का तू सिखाई हमारे भाई ने सन मार के यो सिखा।